Hello students, welcome to the YouTube channel of Rensai Online Learning, DBP 25 subject physics, and the question is, this question is from dimensional analysis, and मैं आपको एक बात बता दूँ that this question is from JEE Main 2019, and JEE Mains में हमेशा ऐसा question आता है जो dimension से होता है, but ये depend करता है कि आप इसको कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट कौन सा राइट मेथड होगा इसको करने का, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, यानी कि इस केस में एम एल टी, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके रिस्पेक्टिवली हम इसका क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। बट क्वेश्चन में हमको बोला गया है हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी लेनी है, स्पीड, एक्सेलेरेशन एंड फोर्स, इन तीनों को हमें लेना है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और हमें निकालनी है किसकी डायमेंशन, यंग मॉडुलस की। तो यंग मॉडुलस पहले देखते हैं क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर आप 11th के बच्चे हो तो आपको नहीं पता होगा, बट आपने अगर 11th कर लिया तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। मैंने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस ही लिख दिया बोलते बोलते, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, बट स्ट्रेस की डायमेंशन किसके बराबर होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, जो कि सिमिलरली है किसके, प्रेशर के। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऐसा होता है। अब हमको करना क्या है, अगर हमारे पास एम एल टी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो हम क्या करते हैं, किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, एंड उनका कुछ पावर हमारे पास आता है, लाइक यहाँ पे क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, यहां पे हमको निकालना है किसकी डायमेंशन, इसकी, विद रिस्पेक्ट टू थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि हमने अज्यूम किया है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर मान लूंगा ए, इसकी मान लूंगा बी, इसकी मान लूंगा सी, तीनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई, एल टी माइनस वन का पावर ए, एल टी माइनस टू का पावर बी। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है। अगर मैं किसी भी फॉर्मूले में देखूं तो हम एम एल टी को मानते हैं, हम एम एल टी को मानते हैं, क्या मानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट इस केस में हमको बोला है क्वेश्चन ने कि इन तीनों को मानना है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मैंने इसकी पावर मान ली ए, इसकी मान ली बी, इसकी मान ली सी, ठीक है। अब देखते हैं इसको करेंगे हम सॉल्व, यहां से हम ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं जो कि हमको क्वेश्चन में पूछी गई है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलेरेशन एंड दिस इज फोर्स। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहां पे आ सकता है मेरे पास एम टू द पावर सी, एल टू द पावर माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी, वेट, एल टू द पावर, गलत लिख दिया, ये तो आएगा, ठीक है, सॉरी, तो एल की पावर कितना आएगा, एल टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी, एंड टी पावर कितना आएगा, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी। यहां से अगर मैं इन दोनों को करता हूं इक्वल तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन। तीसरी इक्वेशन आएगी माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल्स टू माइनस टू। सी की अगर वैल्यू वन है तो यहां पर कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, ए प्लस बी कितना आएगा मेरे पास, माइनस टू। लेट्स टेक इक्वेशन वन, अब माइनस ए माइनस टू बी, सी की वैल्यू वन है, माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, ए प्लस टू बी कितना आएगा, जीरो। दिस इज इक्वेशन टू, दोनों को सॉल्व करूंगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस टू, ए प्लस टू बी इक्वल्स टू जीरो, माइनस माइनस माइनस, तो कितना आएगा ये, माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस टू बी, राइट, ए प्लस टू बी, तो इसको अगर माइनस करूंगा तो माइनस बी माइनस टू, बी की कितना वैल्यू है, टू। अगर इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ए का कितना आएगा, माइनस फोर, यानी कि स्पीड का कितना है, माइनस फोर, और दूसरा क्या था, एक्सेलरेशन कितना है, टू, फोर्स कितना है, वन। वी माइनस फोर ए स्क्वायर एफ वन, वी माइनस फोर ए स्क्वायर एफ वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब इसको देखते हैं और आसानी से कैसे कर सकते थे, जब मैंने निकाली सी की वैल्यू वन यानी कि एफ की वैल्यू वन, तो आसानी से बोल सकता था ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। उसके बाद मैं कर क्या करूं, मुझे दिख रहा है कि ए सब में सेम है, तो वैसे ठीक है बिकॉज हमको दो इक्वेशन थी, दोनों को सॉल्व करना था, ठीक है, तो यही है सबसे आसान तरीका,
इस क्वेश्चन को करने का। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर फ्री डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। द लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।